गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे आई विल टीच यू प्रीपोजिशंस पार्ट सेकंड्स इन विच आई विल टीच यू प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस पोजिशन फॉर एग्जाम्पल एट बी एट इन ऑन अबव बिलो ओवर अंडर बिटवीन अमंग अमंगस्ट अमी बिफोर बिहाइंड एक प्रिपोजिशन आपको पढ़ना है और बेटा जान लीजिए कि यह है स्थान और पोजिशन बताते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्या है एट। एट क्या होता है हमें एट का प्रयोग करते हैं हम क्या छोटे स्थानों के लिए या शहरों के लिए पहले करते हैं। ठीक है एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नामों के पहले करते हैं। ओके जैसे क्या है एट समस्तीपुर समस्तीपुर। ठीक है इसके पहले अंदर क्या है ये क्या है छोटा स्थान है। ठीक है किसी गाँव का नाम है उसके बाद क्या है दे आर एट होम। ठीक यहाँ भी एट का प्रयोग किया गया है यहाँ पर किया गया है छोटे स्थान या छोटे शहर के लिए हम करते हैं एट का प्रयोग। उसके बाद क्या है इनका इंग्लिश भी क्या होता है इनका मतलब होता है क्या होता है इसका प्रयोग क्या करते हैं बड़े स्थानों के नामों से पहले करते हैं या बड़े शहरों के लिए करते हैं। देखिए जैसे यू इन कोलकाता बिग इन इंडिया। सो स्टूडेंट आई होप दैट इट हैज बीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ सी बिग सिटी नाउ अबव ओके ऑन एंड अबव एंड आफ्टर दैट बिलो सी फर्दर। सो नाउ सी इंडिया फॉर्म और मतलब क्या होता है हिंदी में विधान से पर इसका प्रयोग होता है स्थान के लिए। ठीक है द बुक्स आर ले ऑन द टेबल जैसे क्या है कोई बुक है किताब है वो टेबल के ऊपर क्या कहीं करी हुई रखी गई हो। ठीक है यानी स्थिर हो ठीक है स्थिर टेबल हो उसके ऊपर रखी गई हो उसके लिए क्या होता है मतलब उस पर। ठीक है यानी बुक जो है टेबल पर रखी हुई है या पड़ी हुई है। ठीक उसके बाद क्या बना देखिए देर इज अ कैप ऑन इट्स हेड। ठीक है यानी ऊपर जो है सर पर रखा गया है एक कैप क्या है उसके सर पर है। ठीक है सर पर लगाया हुआ है आज मैं समझते हैं। देखिए एबव तथा बिलो का प्रयोग लेवल बताने के लिए होता है लेवल बताने के लिए होता है एबव और किसका बिलो का प्रयोग और कभी कभी उम्र से भी बताया जाता है इसका ताल्लुक होता है। देखिए जैसे क्या है द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। ठीक है एरोप्लेन क्या है यानी क्लाउड्स के ऊपर से भी क्या कर रहा है उड़ रहा है। ठीक उसके बाद दिस वर्क इज बिलो माय डिग्री। अब ये वर्क क्या है यह मेरे डिग्री के खिलाफ यानी मेरे डिग्री के नीचे है मेरे जो मेरी स्थान है उससे क्या है वो नीचे है यानी तो मैं इस वर्क को नहीं करना चाहूँगा। जैसे क्या होता है कभी यहाँ पर बोला गया है कि बिलो मतलब क्या था नीचे है यानी मतलब कि ये सुटेबल नहीं है इनके लेवल का नहीं है। ठीक है उसके बाद क्या है देखिए द मैटर इज अबव सस्पिशन। जो मैटर क्या है ये है क्या है संदेह है सस्पिशन से परे है मतलब इसमें इसमें बहुत ज़्यादा क्या है सस्पिशन है। ठीक है इसका लेवल क्या है कि सस्पिशन बता रहा है संदेह संदेहात्मक बता रहा है। उसके बाद है ही इज अबव 20 मतलब 20 के ऊपर होगा। ठीक है और उसके बाद क्या है यू आर अबव 20 आप 20 के नीचे तक होंगे। तो यहाँ पर बेटा आई होप दैट इट हैज बीन आल्सो क्लियर नाउ आई विल सी फर्दर आई विल टीच यू फर्दर सी फर्दर। नाउ से ओवर एंड अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन के लिए किया जाता है जैसे देयर इज अ फैन ओवर योर हेड। देयर इज अ फैन ओवर योर हेड यानी क्या है वर्टिकल पोजीशन में जैसे ये क्या है ये आपका सर है उसके बाद क्या इस तरह है आपके फैन है। ठीक है तो उसके बाद क्या है अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। अब क्या है अब तो अभी तो क्या था सर के ऊपर एक फैन था वर्टिकल में उसके बाद अब क्या है कि वहाँ नीचे जो कि क्या है
टेबल के बिल्ली बैठी हुई है। ठीक है, बिल्डिंग का प्रयोग क्या होता है, बिल्डिंग का प्रयोग दो वस्तुएं और दो व्यक्तियों के बीच में किया, दो वस्तुएं या दो व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे क्या है, स्मिता इज सिटिंग बिटवीन मोती एंड मीरा। श्वेता किसके बीच में बैठी हुई है, मोती और मीरा के बीच में बैठी हुई है। ठीक, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द टू चिल्ड्रन, यानी दो बच्चों में मिठाई बांट दो। बेटा आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, सी फर्दर। नाउ स्टूडेंट सी, चलो कंप्लीट क्या आता है। अभी हमने बिटवीन के बारे में पढ़ा था कि बिटवीन दो लोगों या दो से अधिक सॉरी दो लोग दो वस्तुओं या दो लोगों के बीच में क्या होता है, बिटवीन का प्रयोग होता है। लेकिन क्या होता है एवं क्या होता है, दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। देखिए क्या है, जैसे द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट एमंग द पुअर्स। ठीक है, एमंग द पुअर्स, ठीक है, पुअर का देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, द हेड मास्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स एमंग द पुअर्स। तो ये क्या है, मतलब दो से अधिक लोगों के बीच में कहा गया है, तो यहाँ पर एमंग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद बेटा देखिए यहाँ पर एमंग्स का प्रयोग, एमंग्स का प्रयोग एमंग के अर्थ में होता है, दोनों के प्रयोग देखें। देखिए क्या होता है, एमंग एमंग्स द प्लस नाउन प्लस प्लूरल, जैसे क्या है एमंग द बॉयज, एमंग द बॉयज। लेकिन बेटा इसमें अंतर होता है, अगर क्या होता है, अगर क्या होता है कोई वर्ड कॉन्सोनेंट शुरू होता है, जैसे यहाँ पर क्या है द हटा देते हैं, द क्या करते थे, हट हटा देते हैं। देखिए जब द हम हटाते हैं, अब इसको क्लियर कर देते हैं, फिर यहाँ पर क्लियरिफाई कर देते हैं, किंतु लेकिन क्या होता है जब द हटा नहीं आता है, जब द को हम रिमूव कर देते हैं, इस द को हटा देते हैं, तब क्या होता है एमंग और एमंग्स में अंतर हो जाता है। देखिए जैसे क्या होता है, हमने हटा दिया, जैसे क्या है पहला एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, जाएगा आप लोगों का एमंग देन, एमंग देन, एमंग देन, ठीक है, यानी ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग देन। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर द नहीं है तो ये हो गया आपका, क्या हो गया यहाँ पर आपका सिर्फ लगा एमंग का प्रयोग कर दिए हैं, ठीक है, एमंग का प्रयोग कर दिए हैं। लेकिन क्या होता है, और एमंग्स का प्रयोग करेंगे, एमंग्स के देखिए अभी तो कॉन्सोनेंट शुरू है, लेकिन जैसे ही वर्ड क्या होता है वॉवल शुरू होता है, हम क्या कर देते हैं एमंग्स का प्रयोग कर देते हैं, किसका, एमंग्स का, ठीक है, एमंग्स, क्लियर, एमंग्स, यानी इसे एमंग्स अस। अब यहाँ पर क्या है, यू क्या है आपका वावेल है, ठीक है, इस तरह बड़ा तमाम एग्जाम्पल आपके हैं कि जैसे जब आपका कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड शुरू होता है तो हम एमंग देख कहते हैं, एमंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो वावेल शुरू होता है तो क्या करते हैं हम एमंग्स का प्रयोग करते हैं, जैसे एमंग अस, एमंग देन, अंतर है आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से, ठीक है बेटा। हाँ, किस कंडीशन में जब द नहीं रहता है तो आई होप दैट इट हेल्प मी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ सी फर्दर, निपुण क्या होता है, के सामने और के आगे, ठीक है, निपुण क्या होता है के सामने और के आगे, और इसका मतलब पहले भी होता है बेटा, जानते रहिए आप लोग। तो देखिए जैसे क्या है, कल्पना इस, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसकी प्लेस और पुलिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, स्थान क्या है के सामने के आगे है, कल्पना इस सिटिंग बिफोर यू, कल्पना क्या है आपके सामने बैठी हुई है, समझ गए। उसके बाद क्या है, ही अपीयर बिफोर द जज, जज वह अपीयर मतलब कि क्या हुआ, वह जज के सामने, जज के आगे आया, ठीक है, प्रदर्शित हुआ, उसको लाया गया। उसके बाद क्या है, बिहाइंड के पीछे होता है, और इसका मतलब क्या होता है, और हाँ पीछे ही होता है, दोनों कंडीशन में पीछे ही होता है, ठीक है। She was running behind her brother. वह अपने भाई के पीछे क्या कर रही है, दौड़ रही है, ठीक है, दौड़ रही थी।
सी हिड हर सेल्फ बिहाइंड द कर्टेन, उसने खुद को पर्दे के पीछे क्या कर लिया, छिपा लिया। सो स्टूडेंट आई होप दैट इट हैज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू प्रीपोजिशन विच डिनोट टाइम्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।